हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति। आज मैं आपको लकार का थर्ड टाइप समझाऊंगी। आपने पहले क्या सीखा था? लट लकार, देन लंग लकार, आज क्या है? रिट लकार। लट लकार क्या था? प्रेजेंट टेंस। लंग लकार क्या था? पास्ट टेंस। आज थर्ड आपका क्या है? रिट लकार, यानी कि फ्यूचर टेंस, यानी भविष्यकाल। किसी बात को हमको भविष्य में शो करना है, फ्यूचर में कोई काम होने होगा उसको शो करना है, तब हम इन लकारों का यूज़ क्रिया में करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या है? पहले वही सेम कंडीशन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक, दो और अनेक, यानी कि बहुत सारे। उसके बाद हमारे पुरुष हैं तीन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, देन उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। चलिए, अब इसके पहले जैसे हमारी क्रिया है पढ़ना, पढ़ना की धातु क्या होती है? पठ। अब पठ धातु के हम यहाँ पर रूप क्लियर करेंगे कि हम लट लकार के हिसाब से पठ धातु के रूप कैसे चलाएंगे। अब एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? पठिष्यति। द्विवचन में क्या होगा? पठिष्यतः। बहुवचन में क्या होगा? पठिष्यन्ति। हमारे प्रथम पुरुष के तीनों वचन क्या हुए? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। नेक्स्ट हमारा सेकंड आया मध्यम पुरुष, इसमें क्या होता है? पठिष्यसि, पठिष्यतः, देन इसमें क्या होगा लास्ट में बहुवचन में? पठिष्यत, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। अब हमारा लास्ट है उत्तम पुरुष, यानी कि फर्स्ट पर्सन, इसमें क्या होगा? पठिष्यामि, पठिष्यावः, लास्ट पठिष्यामा। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामा। यानी कि एक पढ़ता है, एक पढ़ेगा, दो पढ़ेंगे, अनेक पढ़ेंगे। अब इसमें ये आपकी क्या थी? पठ धातु, यानी पढ़ना। ऐसे ही अगर हमारी लिख धातु है, हमारी क्रिया लिखना है, तो लिख धातु के रूप कैसे चलेंगे? लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, ऐसे पूरे सेम चलेंगे। ऐसी अगर आपकी धातु हस है तो क्या होगा? हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति। कोई भी आपकी क्रिया है उसके धातु रूप ऋट लकार में ऐसे ही सेम कंडीशन में चलेंगे। अब इसमें अगर हम सर्वनाम का यूज़ करेंगे तो सह यूज़ करेंगे, तो सह के साथ क्या होगा? पठिष्यति। अब अगर हम सह यूज़ करते हैं सर्वनाम में, सह क्या है हमारा? सह है प्रथम पुरुष का एक वचन, सह माने वह। अब एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे, पठिष्यति, यानी कि वह पढ़ेगा। अब वे दोनों पढ़ेंगे, तव। अगर हम तव लगाएंगे, वे दोनों पढ़ेंगे, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि तव हमारा क्या है? प्रथम पुरुष का द्विवचन ही है। अब हमारा नेक्स्ट है ते। ते यानी वे सब, यानी अनेक। जब अनेक लोग होंगे तो हम प्रथम पुरुष का बहुवचन यानी पठिष्यन्ति, ते पठिष्यन्ति का यूज़ करेंगे। उसके बाद मध्यम पुरुष में सर्वनाम त्वम, सेकेंड पर्सन त्वम, त्वम यानी तुम। तुम हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो हम क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन लगाएंगे, पठिष्यसि, तुम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। उसके बाद युवाम, युवाम यानी कि तुम दोनों पढ़ोगे। अब युवाम द्विवचन का है, तो हम क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे, युवाम पठिष्यतः। उसके बाद बहुवचन में तुम युवाम, यूयम, यूयम माने तुम सब, तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत। बहुवचन की ही क्रिया और बहुवचन का ही कर्ता। उसके बाद हमारा
लास्ट है उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मैं, हम दोनों, हम सब। अब आपका अगर अहम सर्वनाम है तो अहम क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हम क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन ही लगाएंगे, यानी अहम पठिष्यामि। अब उसके बाद आवाम माने हम दोनों, मैं, हम दोनों। अब आवाम हम दोनों क्या है, द्विवचन है, तो हम क्या लगाएंगे, द्विवचन की ही क्रिया लगाएंगे, आवाम पठिष्यावः। उसके बाद आवाम वयम, वयम माने हम सब, वयम क्या है, हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः। अब वयम बहुवचन का है तो हम क्रिया भी बहुवचन की ही यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमने सर्वनामों का यूज़ किया तो हमारी ये क्रियाएं उनके पुरुष और वचन के हिसाब से ही यूज़ की जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम संज्ञा का यूज़ करते हैं, हमने कहा कि मोहन लिखेगा, मोहन लिखेगा यानी मोहन हमारा क्या है, हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन, एक वचन है तो हम क्रिया भी एक वचन की ही यूज़ करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, मोहनः लिखिष्यति। जैसे आपका पठिष्यति था ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, लिखिष्यति। मोहन लिखेगा, मोहनः लिखिष्यति। अगर हम कहते हैं बालक पढ़ेंगे तो क्या है, बालक पढ़ेंगे यानी हमारा इस सेंटेंस से शो हो रहा है कि बालक अनेक हैं, यानी बहुत सारे हैं, बहुवचन है। तो जब कर्ता बहुवचन का है तो हम क्रिया भी बहुवचन की ही यूज़ करेंगे। तो बालक है तो बालका क्या हो जाएगा बहुवचन में, बालका माने बहुत सारे बालक, बालका, बालका। और पढ़ेंगे यानी बहुवचन की हम क्रिया लगाएंगे, यहाँ पर क्या है, पठिष्यन्ति, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बालका पठिष्यन्ति, बालक पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर हम कहते हैं तुम पढ़ोगे तो त्वम, त्वम के साथ हम लगाएंगे पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। अगर मैंने कहा कि मैं पढ़ूंगी तो मैं का होता है अहम सर्वनाम, तो अहम पठिष्यामि। अगर हमने कहा हम सब पढ़ेंगे तो हम सब की संस्कृत क्या होती है सर्वनाम में, वयम, वयम। फिर हमारी क्रिया भी बहुवचन की आएगी, पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः। इस तरीके से आप संज्ञा या सर्वनाम किसी का भी यूज़ करेंगे लेकिन लृट लकार में, फ्यूचर टेंस में आपकी क्रिया इसी रूपों के हिसाब से, इन्हीं नियमों के हिसाब से ही यूज़ की जाएगी। जिस पुरुष या वचन का कर्ता होगा उस पुरुष या वचन की आप क्रिया का यूज़ करेंगे। आज आपने क्या सीखा, ऋड लकार फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। कोई काम हमारा भविष्य में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, तो हम ऋड लकार के रूपों का यूज़ करते हैं।